Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 2 polynomial exercise 2.4 question number 1. Verify that numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है 2x cube plus x square minus 5x plus 2 और zeros गिवन है 1 by 2, 1 minus 2. ठीक है, और हमें इसमें दो क्वेश्चन करने हैं. एक वेरीफाई करना है कि इसकी जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल की, और हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोज की कोफिशिएंट्स के साथ, राइट. तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू टू आइस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू. हमने इस पॉलिनोमियल को ले लिया कि ये पी एक्स है. अब इस पॉलिनोमियल का हम कंपैरिजन करेंगे, किससे करेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, तो इससे हम इसका कंपैरिजन करेंगे. तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, टू. बी इज इक्वल टू आ गया वन, एंड सी इज इक्वल टू आ गया माइनस फाइव, और डी इज इक्वल टू आ गया टू, राइट. अब हमने सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि 1 बाई टू, 1 और माइनस टू इसकी जीरोज हैं. तो सबसे पहले हम p 1 बाई टू निकालेंगे. इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पर 1 बाई टू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 बाई टू का क्यूब प्लस 1 बाई टू का स्क्वायर माइनस 5 1 बाई टू प्लस टू. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, टू इंटू वन अपॉन एट कैंसिल होकर ये हो गया हमारा 4 प्लस 1 बाई फोर माइनस 5 बाई टू और प्लस के 2, इसके नीचे 1 लिया और हमने ले लिया एलसीएम. एलसीएम आ गया हमारा 4, दिस इज 1 प्लस 1 माइनस 10 और प्लस 8, राइट. तो ये आ गया हमारा 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 10 माइनस के 8 बचे और प्लस के 8, मतलब ये आ गया हमारा 0 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है. और जब ये 0 हो आ गया, जब हमारा p 1 बाई टू 0 आ गया, इट मीन्स हमारा रिमाइंडर 0 आ गया. सो 1 बाई टू क्या हो गया, 0 आ गया. तो देयरफॉर 1 बाई टू इज अ 0 ऑफ पी एक्स, ठीक है. देन अब हमने करना है 1 को प्रूफ, तो 1 के लिए हम p 1 निकालेंगे. फिर से हमने इसके अंदर पुट करना है. सो p 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2. तो ये आ गया 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 1 इज अ 0 ऑफ px, राइट. अब हम इसमें माइनस टू को वेरीफाई करेंगे, तो p माइनस टू निकालेंगे. और p माइनस टू के लिए हम फिर से इसके अंदर डालेंगे माइनस टू, तो ट्वाइस माइनस टू का क्यूब प्लस माइनस टू का स्क्वायर माइनस फाइव माइनस टू प्लस टू. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस टू का क्यूब माइनस एट हो जाएगा इंटू टू, तो माइनस के 16, एंड दिस इज प्लस के 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 10 एंड प्लस के 2, और ये आ गया हमारा 0. देयरफॉर माइनस टू इज अ 0 ऑफ पी एक्स. तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये जो था, वेरीफाई द नंबर गिवन्स अलोंग साइड बिलो आर देयर जीरो, तो ये हमारा पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रूफ हो जाता है. सो अब हमें इसका वेरिफिकेशन करना है, और वेरिफिकेशन करने के लिए जीरोज और कॉफिशियंट के हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए. और फॉर्मूले होते हैं हमारे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, that is equal to c upon a, or alpha beta gamma, that is equal to minus के d upon a, ठीक है. और ये जो तीनों zeros हैं, इन zeros को हम let कर लेते हैं कि एक alpha हो जाएगी 1 by 2, beta हो गई हमारी 1, और
गामा हो गई हमारी माइनस के 2। अब इनका वेरिफिकेशन करेंगे। पहला लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। एल एच एस आर एच एस दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अल्फा है हमारे पास 1/2 प्लस 1 और ये आ गया माइनस के 2। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 2 1 प्लस 2 माइनस 4 और ये आ गया माइनस के 1/2। और आरएचएस में जब हम बी की वैल्यू डालेंगे, बी है 1 और ए है हमारा 2, तो एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ गए, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ये सेकंड पार्ट करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा दैट इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो दोनों एल एच एस आर एच एस इक्वल आने चाहिए। अल्फा है 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस के 2 प्लस 1/2 इंटू माइनस के 2, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा, ये माइनस के 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया माइनस के 1। और इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस 4 माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास -5/2, ठीक है। अब सी अपॉन ए भी देख लेते हैं, सी कितना है -5 और ए कितना है 2, तो ये भी दोनों सेम आ गए, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। सो अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए हमें प्रूव करना है। अल्फा है हमारे पास 1/2, बीटा है 1 और गामा है माइनस के 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 बचा, तो यहाँ आ गया हमारा -1। और इसमें भी हम डालेंगे d की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू भी 2 है, 2 कैंसिल हो गए और ये भी आ गया हमारा -1। तो हमारा सारा कुछ वेरीफाई हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हम हैंस वेरीफाइड। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी वीडियो से पढ़ सकें। इस तरीके के और क्वेश्चंस के लिए और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।